मूवी की शुरुआत में ही मूवी का टाइटल डिस्प्ले होता है जो है हिडन। हीरो हीरोइन और उसकी छोटी बेटी जोई जमीन के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। वो दिन ऐसे एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, बल्कि एक साल से जमीन के नीचे बसे हुए एक घर में छुपकर रह रहे होते हैं। एक रात जोई कुछ सपने देख के डरी भी होती है, उसे बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। तब उसकी माँ उससे कहती है कि अभी सुबह नहीं हुई है, अभी आंख बंद करके सो जाओ। थोड़ी देर बाद हीरोइन की माँ लालटेन जला के उसे देखने जाती है, पर वो बिस्तर पे नहीं होती, वो बेड के नीचे छुपी होती है। उसके हाथ में एक डॉल होती है, उस अंडरग्राउंड घर में वो डॉल ही उसकी फ्रेंड होती है। सोते वक्त भी वो डॉल के साथ ही सोती है। माँ पूछती है कि वो बेड के नीचे क्यों ऐसे बैठी हुई है। तब वो जवाब देती है कि आज उसने एक बुरा सपना देखा जिसमें ब्रेथर्स हमारी जगह ढूंढ लेते हैं। सवेरे सवेरे जो सपना देखा वो सच ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ छुप के बैठी हूँ, वो कहती है। ये सुन माँ जवाब देती है कि रूल नंबर 4 भूल गई हो क्या, ब्रेथर्स के बारे में कभी भी बात नहीं करना चाहिए। उसका डर समझते हुए माँ उसको हीरो के पास ले जाती है। वहाँ स्क्रीन पे किसी की परछाई देख जोई फिर से डर जाती है। इतने में वहाँ हीरो को आता देख वो अपने बाप के गले लग जाती है। उसको अपने बाप से बहुत मोहब्बत होती है। उसका डर दूर करने के लिए हीरो कार्ड्स खेल के उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। वो अपने बाप से कहती है कि मैंने अपने सपने में ब्रेथर्स को आते देखा, क्या वो सच हो जाएगा। हीरो जवाब देता है कि आप सभी के सोने के बाद मैं जागता रहता हूँ, मैं हमेशा अलर्ट रहता हूँ। अगर वैसे ब्रेथर्स आ भी जाएं तो ये अंडरग्राउंड घर हमारा बहुत प्रोटेक्टिव है, मैंने इसके गेट्स लोहे की चेन से बांध रखे हैं, तुम भी चाहो तो चेक कर सकती हो। ओके ठीक है, मैं चेक करती हूँ। माँ कहती है कि अब क्यों ये बेकार में शक कर रही हो। माँ के डर को समझते हुए जोई जवाब देती है कि उसको सारे रूल्स याद हैं। रूल नंबर 1, हमेशा धीमी आवाज में ही बात करनी चाहिए। रूल नंबर 2, कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। रूल नंबर 3, कभी भी गेट्स नहीं खोलने चाहिए। रूल नंबर 4, ब्रीथर्स के बारे में नहीं बात करनी चाहिए। फिक्र मत कीजिए, मैं गेट नहीं खोलूंगी। वो एक सीढ़ी से चढ़ के जाती है। उस गेट में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिससे उसको रात और दिन का फर्क मालूम होता है। वो लोहे की चेन को खींच के देखती है, सभी स्ट्रांग होते हैं, पर हीरो और हीरोइन दोनों बड़ी फिक्र में नीचे खड़े हुए होते हैं। सुबह होते ही हीरोइन लालटेन की रोशनी को थोड़ा बढ़ा देती है। हर सुबह जोई एक चाकू से दीवार में लाइन ड्रॉ करती है जिससे कि उनको मालूम होता है कि उनको वहाँ कितने दिन हो गए हैं। सारी लाइंस काउंट करने पे मालूम होता है कि वो वहाँ 301 दिन रह चुके हैं। ना हवा, ना पानी, ना उजाला, ना कोई फैसिलिटीज, इन सब के बीच वो जिंदगी गुजार रहे थे। फिर जोई अपने माँ से कुछ कहने को पूछती है। ये सुनकर वो एक रैक की ओर जाती है जहाँ बहुत सारे टिन्स रखे हुए थे, इसमें से क्या दूं करके सोचती है। जोई कहती है कि उसको आज भी पीच ही खाना है। हीरोइन ये कह के मना कर देती है कि रोज पीच खाने से खत्म हो जाएगा, आज तुम बीन्स खाओ। बट जोई पीच खाने के लिए जिद करती है। हीरोइन हीरो के पास कंप्लेंट लेके जाती है, बट हीरो को भी पीच ही खाना होता है, तो वो वोटिंग करने की सोचते हैं। किसी को भी बीन्स खाना है, सिर्फ हीरोइन ही हाथ उठाती है। किस किस को पीच खाना है, तो हीरो भी जोई के साथ हाथ उठाता है। जोई तो अपने डॉल का भी हाथ उठाने लगती है, तो 3 लोगों ने पीच को वोट किया, सो हम पीच ही खाएंगे। हीरोइन पीच का टिन खोल जोई के हाथ में दे देती है। हीरो पानी लेने के लिए पाइप खोलने की कोशिश करता है, बट वो जाम हो गया है। हीरोइन भी हीरो की मदद करने में लगी हुई है। इसी बीच जोई पीच के टिन खोलती है और देखती है कि ये तो खाली है। हीरोइन भी वो खाली टिन देख के शॉक हो जाती है। उस टिन में एक छेद भी होता है। हीरोइन सभी टिन को ऐसे ही चेक करती है, तो उसको ऐसे 12 खाली टिन मिलते हैं। वो लोग बाहर भी नहीं जा सकते ऐसी सिचुएशन में, जो भी खाना मौजूद है उसी में गुजारा करना पड़ेगा। इस हालत में 12 टिन खत्म हो जाना उन लोगों का बड़ा शौक देता है। वो सोचते रहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, क्या ये चूहे का काम हो सकता है। पर दरवाजा तो टाइट बंद हुआ है ना, चूहा कहाँ से आएगा, जोई कहती है। तब हीरोइन को उस अंडरग्राउंड घर के उस तरफ का दरवाजा याद आता है। वहाँ कोई इंसान तो नहीं आ सकते, पर छेद इतना छोटा है कि चूहा तो आ सकता है। चेक करने पे मालूम होता है कि वो छेद थोड़ा फटा हुआ है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि वहाँ चूहा आया है। उस चूहे को ढूंढ के मारने पर ही उन लोगों का खाने का गुजारा हो पाएगा। हीरोइन सबको बीन्स देती है। जोई को पीच बहुत पसंद है, पर उसके खाली हो जाने से वो दुखी हो जाती है और प्लेट में स्पून से बीन्स को इधर उधर कर रही होती है। हीरोइन जोई से कहती है कि जो भी खाने को मिला है खा लो, उससे सेटिस्फाइड होके खाओ। जोई जवाब देती है कि जो मुझे पसंद नहीं उसको मैं कैसे खाऊं, ये कह के गुस्सा हो जाती है। तब हीरोइन उसको रूल नंबर 2 याद दिलाती है। जोई कहती है कि वो रूल सुन सुन के थक गई है, उसको ये घर जेल की तरह लगने लगा है, कोई और इंसान ही नहीं है बात करने के लिए। ये डॉल भी मुझसे 5 ही लफ्ज बात करती है। हीरो कहता है कि इस वक्त हम 3 लोग ही जिंदा हैं, और थोड़े दिन जिंदा रहने के लिए कुछ खाना तो जरूरी है ना। वो कन्विंस होके खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद हीरो जोई को खुश करने के लिए एक गेम खेलने बुलाता है। वो गेम हीरो ने लूडो जैसे सेट किया हुआ है। जोई को जो जो जगह पसंद है वो सब ड्रॉ किया और क्वाइन की जगह जोई की टॉय को यूज किया है।
लूडो में जो भी नंबर आए हीरो उसको वो जगह को इमेजिनेशन में लेके जाता है, ये उसकी आदत है। इस बार जब जोई लूडो डालती है तो टॉय कार आइसक्रीम शॉप में रुकती है। हीरो जोई की आंख बंद कर उसके दोनों उंगली उसकी आंखों पे रख इमेजिनेशन से आइसक्रीम की ओर ले चलता है। ये सुनकर जोई बहुत खुश होने लगती है। हीरोइन ये नजारा बर्तन धोते हुए देखती रहती है। उसी वक्त वो आईने में अपना चेहरा देखती है, न रोशनी न धूप न ठीक से न्यूट्रिएंट्स पहुंचने की वजह से उसका चेहरा पेल हो जाता है। ये देख उसे बहुत दुख होता है। हीरो को रात भर जाके सुबह सोने की आदत होती है। हीरोइन उसके पास कुछ बात करने के लिए बैठती है। वो कहती है कि हम ऑलरेडी कम खाने की वजह से बहुत डबल पतले से हो गए हैं, हमारा स्टॉक भी खत्म होते हुए आ रहा है, ऐसा ही रहा तो हमें यहाँ से निकलना ही होगा। हीरो कहता है कि क्या तुम्हें वो वादा याद है जो हमने यहाँ आने से पहले किया था, हम किसी भी तरह अपनी जान जोखिम में डाल के भी जोई की जान बचाएंगे, मगर एक आइडिया करता हूँ, बाहर निकल के कुछ खाने की तलाश करता हूँ, ब्रेथर्स हमारी तलाश में है, अगर किसी ने भी तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें मार डालेंगे, अब क्या कर सकते हैं, कोई देखे तो लड़ झगड़ के अपनी जान बचाने की कोशिश करूंगा। हीरो के सो जाने के बाद हीरोइन और जोई गेम खेलने लगते हैं। जोई सवाल करती है कि डैडी ने कहा था कि हम सिर्फ 3 लोग ही जिंदा हैं, क्या वो सच है, ये सच है या नहीं, ये एक इंटरेस्टिंग रास्ते से फाइंड करते हैं। हीरोइन जोई के हाथ में एक टेलीस्कोप थमा के घर के एक दूसरे एंड की ओपनिंग की ओर रख के उसके द्वारा देखने को कहती है। जोई उस टेलीस्कोप के द्वारा देखती है, उसको एक स्कूल नजर आता है, उसके बाजू में एक जंगल है, वहाँ उसने किसी को क्रॉस करते देखा, वो अचानक डर जाती है, पर वो एक कौवा होता है, ये देख के वो नॉर्मल हो जाती है, उसको यकीन हो जाता है कि वहाँ कोई नहीं है। हीरोइन पूछती है कि क्या उसको हमारे घर का मेन रोड नजर आ रहा है, जोई कहती है हाँ नजर आ रहा है पर वो बंद है। हीरोइन जवाब देती है हाँ वो बंद है ना, इसलिए वहाँ कोई आने की कोशिश भी नहीं करेगा और हमें ढूंढ भी नहीं सकता। ये देखते वक्त पीछे जो रैक है उसमें एक चूहा टिन से कुछ खाने की कोशिश कर रहा होता है। जोई ये बात हीरोइन को बता देती है। चूहा एक छोटी आवाज से भी भाग जाता है। हमें बड़ी होशियारी से इसको मारना होगा। हीरोइन हीरो को जगा के हाथ में चाकू थमा देती है। तब जोई पूछती है कि क्या हम रात में इस चूहे को डिनर में खा सकते हैं? वो बच्ची कुछ नॉनवेज खाने के लिए इस कदर सोचने लगती है। हीरो की धीमी धीमी आवाज से चूहा अलर्ट हो जाता है और भाग जाता है। हीरो फोर्स से वो चाकू टेबल में मारता है और वो चाकू वहीं पर अटक जाता है। चूहा उस छेद से बच के जाने ही वाला होता है कि हीरो उसको पैरों से दबाकर मार देता है। तभी रियलाइज होता है कि चूहा भागते वक्त उस टेबल पे जो लालटेन थी उसको गिरा देता है और उससे जो तेल निकलता है उससे वहाँ पे आग लग जाती है। हीरो उस आग को बुझाने की कोशिश करता है पर वो आग कंट्रोल में नहीं आती। टेबल पे जो जोई का पसंदीदा गेम था वो भी जलने लगता है। ये देखकर जोई बहुत सैड हो जाती है, अपने सारे रूल्स भूल के चिल्लाने लगती है। हीरो वो जाम हुआ पाइप खोलने की कोशिश करता है पर कोई असर नहीं होता। मीनवाइल हीरोइन एक ब्लैंकेट उस आग पर डालने की कोशिश करती है। हीरो भी उसी की मदद करने लगता है। समहाउ वो आग बुझ जाती है। बुझ जाने के बाद पूरी जगह अंधेरी हो जाती है। हीरोइन एक कैंडल जला के जोई के पास आती है। जोई एक बेड के नीचे बैठ रही होती है और रो रही होती है। अब तो आग भी बुझ गई, सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, क्यों रो रही हो? वो कहती है कि एक प्रॉब्लम तो अब शुरू होने वाली है, वो ब्रिथर समय फाइंड कर लेंगे। हम सभी ने जो हल्ला मचा दिया था, धुआं बाहर गया होगा, अब वो हमें ढूंढी निकाल लेंगे। हीरोइन उसको तसल्ली देती है कि नहीं, अब अंधेरा हो चुका है, किसी को कुछ नजर नहीं आएगा। बच्ची को दिलासा देके हीरोइन उस जली हुई जगह पे जाती है। हर जगह सिर्फ राख पड़ी हुई है। वो सोचती है कि अंडरग्राउंड के ऊपर इसी तरह राख फॉर्म हो गई होगी, तब हमें इजीली ढूंढा जा सकता है। हीरो अपने टेलीस्कोप की मदद से चेक करता है। उसको एहसास होता है कि हीरोइन बिल्कुल सही कह रही थी, हर जगह सिर्फ राख ही राख है। अब उसको टेंशन होने लगता है। हीरोइन परेशानी के मारे इधर उधर फिरने लगती है। हीरो कहता है उसको रूल नंबर 2 कभी भी भूलना नहीं चाहिए। नहीं भूली मैं, पर वो यहाँ आएंगे तो क्या करेंगे? वो आएंगे तो भी हमारी जगह को नहीं ढूंढ पाएंगे। वो यहाँ कई बार आए थे पर हमेशा कोई डाउट करने की वजह नहीं होती जो इस बार है, इसलिए डर लग रहा है। इसका एक ही रास्ता है, ऊपर का दरवाजा खोल के वो राख को वहाँ से हटाना। जोई कहती है कि ये रूल नंबर 3 ब्रेक कैसे कर सकते हैं? रूल्स हमेशा मुश्किल से बचने के लिए होते हैं। अगर हम मुश्किल में हैं तो रूल्स को तोड़ने में कोई हर्ज नहीं। ये कह दोनों दरवाजा खोलने की तैयारी में लग जाते हैं। हीरो कहता है कि हम सिर्फ 3 मिनट ही बाहर रह सकते हैं, उससे ज्यादा रहने से परेशानी हो सकती है। जोई कहती है कि वो भी आना चाहती है, मुझे सूरज देखना है, मुझे बड़ी ख्वाहिश है सूरज को देखने की। हीरो उसे ये कह के रोक देता है कि वो अभी छोटी बच्ची है, जो भी हो जाए तुम दरवाजा नहीं खोलोगी, अगर बाहर हमें कुछ भी हो जाए तब भी दरवाजा नहीं खोलोगी, रूल्स बड़े लोग तोड़ सकते हैं छोटे बच्चे नहीं। अभी शाम हो चुकी है, सूरज देखने का समय नहीं है, अब तुम्हारे आने का कोई मतलब नहीं है। सीढ़ी चढ़ 300 दिन बाद दरवाजा खुलता है। छोटी बच्ची यही दुआ करती है कि उसके माँ बाप के पास ब्रेथर्स न पहुंच जाए। उन लोगों में नजर रखने के लिए जोई टेलीस्कोप की मदद से देखती रहती है। हीरो और हीरोइन ऊपर पड़े हुए राख को उतार के फेंक रहे होते हैं, तभी दूर से एक जंगल में से किसी की परछाई नजर आती है। वो दोनों को आवाज देने लगती है, आप लोगों के पीछे कोई है, अंदर आ जाइए, पर उसकी आवाज उन तक पहुंचती नहीं है। वो अब तेजी से सीढ़ी चढ़ने लगती है, ऊपर का दरवाजा खोल आसपास देखती है, पर वहां कोई नहीं होता। दोनों को आवाज देते हुए भागने लगती है।
हीरोइन एक पेड़ के पीछे छुपी हुई होती है। वो धीरे से उसके मुंह पे हाथ रख के कहती है, तुम्हें हमने अंदर रहने को कहा था ना, तुम बाहर ही नहीं आए बल्कि आवाज से चिल्लाने भी लग गई। इस तरह रहे तो ब्रीथर समय पकड़ लेंगे। वो कहती है कि उसने जंगल में किसी को देखा, पीछे मुड़ के देखा तो कुछ जंगली एनिमल्स उन्हें पार करते हुए भागते जाते हैं। हीरो हंसते हुए कहता है कि जोई इन हिरणों को देख के ही डर गई होगी। हीरोइन कहती है कि ये हिरण किसी को देख के डर के भाग रहे होंगे। पीछे वाले जंगल को गौर से देखती है, उसे ये समझ आ जाता है कि वहां एक सेकंड भी रहना खतरे से कम नहीं। तीनों वन बाय वन अंडरग्राउंड घर के अंदर जाने लगते हैं। पहले हीरोइन और जोई अंदर चली जाती है, फिर हीरो अंदर जाते वक्त कुछ देख के डर जाता है और दरवाजा टाइट से बंद कर देता है। हीरो सीढ़ियों पे बैठे हुए कुछ सोचने लगता है। जोई और हीरोइन उससे पूछते हैं तो वो उन्हें चुप रहने को कहता है। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वो सिर्फ एक आदमी के कदमों की आहट होती है। जोई पूछती है, ब्रीथर्स हमेशा क्राउड में ही ट्रेवल करते हैं। हीरो को कुछ समझ नहीं आ रहा, शायद उस स्मोक को देख के एक ब्रीथर आया होगा, इसीलिए एक आदमी हमें फाइंड नहीं कर सकता, इसलिए जब तक वो ना जाए कोई आवाज नहीं करेगा। जोई अब आवाज से रोने की कोशिश करती है, तब हीरोइन उसे रूल नंबर वन याद दिलाती है। उसको कन्विंस करने के लिए हीरो हमेशा की तरह वो गेम खेलने का सोचता है। वो जली हुई टॉय कार लेता है। जोई पूछती है कि कहाँ जाना है। वो कहता है कि तुम कहीं भी जा सकती हो, इस दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती हो। जोई अपने घर के बेडरूम को जाना चाहती है। हीरो उसे इमेजिनेशन से अपने पूरे घर के बेडरूम को ले जाता है। अब वो खुश हो जाती है। अब तीनों थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। फिर थोड़ी ही देर में ब्रीथर्स के कदमों की आवाज सुनाई देती है। सब एकदम चुप हो जाते हैं। ब्रीथर्स के ऊपर चलने की वजह से अंडरग्राउंड घर में फुल धूल मिट्टी गिरने लगती है। धूल की वजह से खांसी आ जाती है। सभी की जान को बचाने के लिए वो खांसी को कंट्रोल करते हैं। अब सबकी नजर उस दरवाजे पे टिकी हुई है। इस वक्त जोई की डॉल की लीवर एक हुक में अटक जाता है। अगर वो हुक से निकल जाता है तो डॉल आवाज करने लग जाएगी। धीरे धीरे वो हुक से निकलता आते देख परेशान हो जाते हैं, पर वो हुक से निकल ही जाता है। हीरो तेजी से वो डॉल को दबाकर साउंड कम करने की कोशिश करता है, पर आवाज कम नहीं होती। सो अब बैटरीज को निकाल डॉल को ही तोड़ फेंकता है। जोई की एक ही फ्रेंड थी और वो भी थी डॉल। डॉल को इस कदर टूट के देख वो रोने लगती है। हीरोइन उसके मुंह पे हाथ रख देती है। अब सबकी नजर मेन गेट में ही है। ऐसा लगता है कि कोई वो गेट खोलने की कोशिश कर रहा है। जोई अब बहुत ही डर जाती है। हीरो कहता है कि वो गेट उसने चेन से टाइट बंद कर रखा है, कोई अंदर नहीं आ सकता। अब वो चेन्स भी एक एक करके गिरने लगते हैं। अब उनको ये समझ आ जाता है कि वो लोग अंदर आ जाएंगे। वो तेजी से मोटर पाइप को निकालने की कोशिश में लग जाते हैं। कोई दरवाजा न खोले इसलिए हीरोइन सीढ़ियों से चढ़ के चेन्स को टाइट पकड़ लेती है। तभी ब्रीथर्स को दिखाया जाता है, उनकी काली आंखें होती हैं। वो एकदम से शॉक हो जाती है। हीरो वो लोहे वाले पाइप से उस ब्रीथर पे अटैक कर देता है और दरवाजा बंद कर देता है। अब हीरो बड़ा टेंस हो जाता है। हीरोइन उसको समझाने की कोशिश करती है कि वो अंदर नहीं आ पाए, रूल नंबर टू मत भूलो, काम रहने से ही सब कुछ ठीक हो पाएगा। तीनों थोड़ी देर के लिए सीढ़ी के पास ही बैठ जाते हैं। कदमों की आवाज सुनाई देती रहती है। वो सोचते रहते हैं कि वो यहाँ से क्यों नहीं जा रहे हैं। इतने में किचन से टिन गिरने की आवाज सुनाई देती है। ब्रीथर्स के किचन के ऊपर चलने की वजह से वाइब्रेशन से वो टिन गिर गया होता है। हीरोइन का यही सवाल होता है कि वो इतनी देर से यहाँ क्यों है। हीरो कहता है कि वो दूसरों का वेट कर रहे हैं। इतने में मेन गेट खुलने की आवाज आती है। वहां जाके देखा तो मेन गेट नीचे ही गिर जाता है और उस होल से बहुत सारे ब्रीथर अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब जोई जोर से चिल्लाने लगती है। इन ब्रीथर से बचने के लिए वो घर के दूसरी ओर भागने लगते हैं। स्क्रीन क्रॉस करने के बाद हीरोइन उस स्क्रीन पर आग लगा देती है। अब जब तक आग वहां रहेगी ब्रीथर्स नहीं आ सकेंगे, पर उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता, उन्हें कुछ सोचना पड़ेगा। एक बड़ा सा रैक रख देते हैं ताकि वो वहां आसानी से ना सके। अब टेलीस्कोप की मदद से वो छोटा सा होल तोड़कर बाहर जाने की कोशिश करते हैं। पहले हीरोइन और जोई उस होल से बाहर जाते हैं। अब हीरो खुद चढ़ने की कोशिश करता है, पर वो होल इतना बड़ा नहीं है कि वो उससे बाहर आ सके। बहुत कोशिश करता है। अब आग बुझने भी लगती है, ब्रीथर आने लगते हैं। ब्रीथर हीरो को अंदर खींच लेते हैं। अंदर ज्यादा स्मोक होने की वजह से हीरोइन को कुछ नजर नहीं आता। अगर इससे ज्यादा वेट करें तो खतरा और हो जाएगा, ये सोचकर हीरोइन वहां से जाने लगती है। पर जोई अपने बाप के बगैर जाने को तैयार नहीं होती। इतने में ब्रीथर्स आने की आवाज आने लगती है। अब दोनों तेजी से भागने लगते हैं। जोई के हाथ से डॉल गिर जाती है। वो झुक के उठाने की कोशिश करती है, पर ब्रीथर्स और नजदीक आ जाते हैं, इसलिए डॉल छोड़कर भाग जाती है। अब दोनों पे एक लाइट मारी जाती है और बड़ा सा नेट डाल देते हैं। इस पॉइंट पे एक बड़ा सा ट्विस्ट है, अगर आप लोग गैस कर सकते हो तो कमेंट कीजिए। तब तक हम इसका फ्लैशबैक देख लेते हैं। 300 दिन पहले उस सिटी में एक नया सा वायरस स्प्रेड होने लगता है और सब उस वायरस के अफेक्ट होके ज़ॉम्बी बनने लगते हैं। फ्लैशबैक में दोनों हीरो और हीरोइन बड़े स्मार्ट एंड क्यूट हैं। इनकी हेल्थ 300 दिन में ऐसी हो जाती है। हीरो और हीरोइन किचन में रोमांटिक होते हैं। तभी जोई वहां आती है और कहती है कि उसका नेबर फ्रेंड ज़ू घर खाली कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। वो चेक करने चलते हैं। जो के पेरेंट्स बड़ी तेजी से सारी चीजें फेंक कर वहां से निकल रहे होते हैं। हमें रीजन बताने का समय नहीं है। कार टर्न करते वक्त कहते हैं कि वो वायरस बड़ी तेजी से इस सिटी में फैला जा रहा है और हम बहुत दूर जा रहे हैं। सिर्फ हम ही नहीं, बहुत सारे फैमिलीज ऑलरेडी इवैक्यूएट कर चुके हैं।
अगर हो सके तो आप लोग भी जल्दी से निकल जाएं। अब हीरो और हीरोइन भी इस वायरस से बचने के लिए सारी चीजें पैक कर बड़ी तेजी से जा रहे होते हैं। रास्ते में एक वाटर टैंक का पाइप दिखता है। अब हम थोड़ी देर में सिटी से बाहर होंगे। हीरोइन पूछती है कि क्या ये वायरस हवा में फैलता है। हीरो को भी इस वायरस का डिटेल्स नहीं मालूम होता। तभी नोटिस करते हैं कि बहुत सारे कार्ड्स वापस आ रहे होते हैं। उनको कुछ समझ ही नहीं आता है। हीरो रेडियो ऑन करके सुनने की कोशिश करता है। आगे देखा तो बहुत सारे कार्स लाइन में खड़े हुए हैं। अब तीनों उतर के देखते हैं। तभी एक हेलीकॉप्टर में अनाउंसमेंट होता है कि कोई इस सिटी से बाहर नहीं जा सकता। बॉर्डर्स क्लोज हो चुके हैं। सब अपने अपने घरों को चलें। इस सिटी को क्वारंटीन किया जा चुका है। सबको अपने घर में ही सेफ रहना होगा। तब उनको समझ में आता है कि कार्स क्यों वापस आ रहे हैं। इतने में एक बड़ा सा पत्थर उनकी कार पे गिरता है। देखा तो वहाँ पहाड़ी हिल रहा होता है। यहाँ तो अर्थक्वेक पॉसिबल ही नहीं है। फिर देखा तो उसके सर पे से बहुत सारे जेट्स उस सिटी में आ रहे थे। वो जो जगह खड़े हुए हैं वहाँ से सिटी का सारा व्यू नजर आता है। वो सारे जेट सिटी में बॉम्ब ब्लास्ट कर पूरी सिटी को ही बर्बाद कर रहे थे, क्योंकि वो पूरी सिटी में वायरस फैल चुका है। ये गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी जैसा नजर आ रहा था। अब सब डर जाते हैं क्योंकि इधर भी कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। सब एक ही डायरेक्शन में भागने लग गए थे। भाग के हीरो हीरोइन और जोई उस वाटर टैंक की ओर जाते हैं। वहाँ देखा तो एक अंडरग्राउंड घर था। तीनों अंदर चले गए। अंदर जाके थोड़ी देर में वहाँ भी एक ब्लास्ट हुआ। दीवार स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उनको कुछ नहीं हुआ। अंदर देखा तो अंधेरा ही अंधेरा। मोबाइल की फ्लैश लाइट से चेक करते हैं कि वहाँ क्या है। लकली मालूम होता है कि वहाँ एक मनुष्य की सर्वाइवल की सारी चीजें होती हैं। वो एक स्कूल का अंडरग्राउंड पोर्शन था। बच्चों की आवश्यक चीजें जैसी बुक्स, पानी, टॉयज सब कुछ था वहाँ। वहीं से जोई को वो डॉल मिली थी। अब हीरोइन नोट करती है कि उसके हाथ में कुछ जख्म हो गया है, पर खून काले रंग का आ रहा था। तभी वो समझ गए कि ये वायरस हवा से भी फैलता है। अब तीनों उस वायरस से इफेक्ट हो चुके हैं। इस वायरस का फंडा ये है कि जो भी इस वायरस से इफेक्ट होता है वो नॉर्मल ही रहते हैं, पर जब भी गुस्सा करते हैं तब ज़ॉम्बी बन जाते हैं। इसलिए उन्होंने रूल नंबर 2 ऐसा बनाया जिससे जोई को गुस्सा ना आए। अब फ्लैशबैक खत्म हो गया। शायद अब आपको स्टोरी का ट्विस्ट पता चल गया होगा। इतनी देर से जो ब्रदर्स बताए जा रहे थे वो नॉर्मल ह्यूमंस थे। हीरो हीरोइन और जोई ज़ॉम्बी हैं। उन दोनों को वो एक जाल से बंद कर देते हैं। वो खुद पे एक शील्ड डाले हुए हैं, नाइट विजन पहने हुए हैं जिनसे उनकी आंखें लाइट नजर आती हैं। सोल्जर्स उनसे कहते हैं कि डरो मत, हम आपको बचाने ही आए हैं। उनका ब्लड टेस्ट करते हैं, तभी रिजल्ट पॉजिटिव आती है। वो दूसरे सोल्जर्स को कॉल करके बुलाता है। अब सभी उनको शूट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जोई कहती है कि आपने तो कहा था हम आपकी हेल्प करेंगे। वो सोल्जर कहता है कि मुझे तुम्हारे एज की एक बच्ची है। आप लोगों को मारने में मुझे संकट तो हो रहा है, पर ये मेरा फर्ज है। अब सभी सोल्जर शूट करने वाले होते हैं। हीरोइन गुस्से से कहने लगती है कि मेरी बेटी को कुछ मत करो। अब वो ज़ॉम्बी बनने लग जाते हैं। एक सोल्जर की गर्दन से खून बहने लगता है। देखा तो उसके पीछे हीरो उसे ज़ॉम्बी बनके काट लेता है। अब उन सबसे हीरोइन और ज़ॉम्बी को बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है। अब नेट में देखा तो हीरोइन और जोई नहीं है, नेट कटी हुई है। जोई एक कार के अंदर बैठी हुई है। हीरोइन एक ज़ॉम्बी बनके सबसे लड़ रही है, ऑलमोस्ट सब सोल्जर्स को खत्म कर देती है। तब एक सोल्जर उसके फोरहेड पे गन शूट करने वाला होता है। वो सोचती है कि अब मेरा चैप्टर क्लोज। तभी जोई एक ज़ॉम्बी बन उस सोल्जर्स पे कूद पड़ती है। उसका आक्रोश बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं होता। अब वो अपनी माँ पर ही अटैक करने लगती है। देन हीरोइन उससे रूल नंबर 2 याद करने को कहती है, जिससे वो थोड़ा थोड़ा कूल हो जाती है और नॉर्मल इंसान जैसे बिहेव करने लगती है। अब हीरोइन और जोई हीरो के पास जाते हैं जो मौत से लड़ रहा होता है। जोई बहुत रोती है। हमेशा की तरह हीरो उसे एक इमेजिनेशन में ले चलता है जिसमें उसके डैडी हमेशा उसके साथ होंगे। धीरे धीरे उसकी आवाज रुक जाती है। वो रोते रोते पूछती है, डैडी आप हो ना। ये एक ऐसा सीन है जिसमें हर किसी को रोना आ जाता है। अब वो जोई को लेके दूसरी ओर भागती है। वो दोनों एक अंडरग्राउंड जगह में छुप जाते हैं और सो भी जाते हैं। उठ के देखने पे मालूम होता है कि कोई उनपे टॉर्च मार रहा होता है। देखा तो वो और कोई नहीं बल्कि जो है, जोई का नेबर। वो जोई का पीछा करते हुए वहाँ आता है। अब वो उनको उसकी जगह ले जाना चाहता है। वो एक अंडरग्राउंड घर में ही ले जाता है जहाँ जो के पेरेंट्स इनको देख के खुश हो जाते हैं। उनकी तरह वहाँ बहुत सारी फैमिलीज होती हैं। ये लोग भी उनसे ज्वाइन कर लेते हैं। अब सबका एक ही सवाल है कि जो फैमिली 300 दिन में बिना किसी प्रॉब्लम से जी रही थी, 300 में एक दिन में ऐसा क्या हुआ कि उनको इतनी सारी प्रॉब्लम्स से डील करना पड़ा। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, जोई का सपना। ऑप्शन बी, चूहे का भागदौड़ मचाना। ऑप्शन सी, राख ठीक करने हीरो हीरोइन का बाहर जाना। ऑप्शन डी, सच कभी भी अंधेरे में नहीं रुकता, एक न एक दिन बाहर आना ही होता है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।